नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और फोन प्लस के एक और नए वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप के कुछ चार नए फीचर हैं जो आपको आगे जाके व्हाट्सएप में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हो सकता है जुलाई में मिल जाएंगे सारे, हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ये चारों फीचर आपको बहुत ही जल्द व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। तो क्या है वो चारों फीचर, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपके बहुत काम में आएगा। आपको पता चल जाएगा क्या क्या फीचर है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फोन प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फीचर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फीचर है आपको, जो नया फीचर मिलने वाला है, वो है व्हाट्सएप पेमेंट। व्हाट्सएप पेमेंट अभी फिलहाल बीटा वर्सन में चल रहा है बहुत सारे लोगों का। मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट्सएप पेमेंट के बारे में, इसको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसको एक्टिव करने का प्रोसेस मैंने बताया था, लेकिन अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हो रहा है, बंद हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर एक्टिव कर दीजिए भाई, एक्टिव कर दो। लेकिन सॉरी यार, मैं एक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि वो व्हाट्सएप की तरफ से बंद हो चुका है, क्योंकि वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। बहुत जल्दी आपको अपने फ़ोन में वो फीचर देखने को मिल सकता है। तो व्हाट्सएप पेमेंट से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप जिन्होंने व्हाट्सएप पेमेंट एक्टिव कर रखा है उनको आप डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रांजेक्शन में 5,000 रुपये तक आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू। व्हाट्सएप जैसे आप मैसेज करते हैं उसी तरह आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, आप यहाँ से इमेज वीडियो सेंड करते हैं, जैसे मीडिया से वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। पेमेंट में जाएंगे तो आप वहाँ से कोई भी अमाउंट भर के उनको सेंड करते हैं। ये UPI के थ्रू काम करता है। जैसे आपका UPI ट्रांजेक्शन होता है, ये UPI ट्रांजेक्शन ही होता है, तो आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, दूसरा जो फीचर है जो आपको मिलने वाला है वो है फ़ोटो साइज़ को लेकर। क्योंकि हम जब भी कोई भी फ़ोटो व्हाट्सएप में भेजते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है और उसका रेजोल्यूशन जो है कम हो जाता है, उसका फ़ोटो का क्वालिटी कम हो जाता है। लेकिन आगे जाके आपको ऐसा एक फीचर मिलने वाला है जिससे आप ओरिजिनल फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोटो का क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं होगा। हालांकि ये एक ट्रिक है, इसमें आप अभी भी भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट में जाके, लेकिन उसमें डायरेक्ट इमेज आप शेयर कर सकते हैं पूरा फुल रेजोल्यूशन में, जो कि आपका इमेज की क्वालिटी कम नहीं होगा। और दोस्तों, जो तीसरा फीचर है वो है ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करना। अभी फ़िलहाल ये फीचर व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको ये फीचर मिलने वाला है। जो लोग दूसरे लोग आपका ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं, आप उसको हाइड कर सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टेटस को। तो ये एक मुझे लगता है काफ़ी काम आने वाला है बहुत सारे लोगों को, जो दूसरों को ऑनलाइन दिखाना नहीं चाहते लेकिन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है जो बहुत जल्दी आपको, हो सकता है जुलाई में सारे फीचर आपको मिल जाए, हो सकता है थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पेमेंट वाला जो है वो 90% श्योर है कि आपको जुलाई में मिल जाएगा पेमेंट वाला फीचर। और दोस्तों, जो लास्ट फीचर है वो है डार्क मोड। डार्क मोड में इसमें क्या होता है, ये रात में ज़्यादातर ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पूरा जो नाइट मोड जैसे होता है पूरा ब्लैक हो जाएगा। जैसे व्हाइट, जिस जगह पे आप व्हाइट देख सकते हैं व्हाट्सएप में, वो पूरा जगह ब्लैक हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, रात में आपको अच्छा लगेगा देखने में, ज़्यादा रोशनी आँख में नहीं आएगा, और आप चाहे तो दिन में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बैटरी भी फ़ोन का सेव होगा और आपका आँखों को भी तकलीफ कम होगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, बहुत पहले आपको व्हाट्सएप को लाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा डिले हो रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी ये भी आपको मिल जाएगा।